क्या इन कंडीशंस में भी हम क्या ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं हम पचास लाख रुपए में डन बेस पे वीज़ा तो लेना चाह रहे हैं ठीक है लेकिन पचास लाख हम पाकिस्तान में बिजनेस में कर रहे हैं एस्परेशन है। इतनी ज्यादा है कि हम सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीज़ा हमारे माइंड में है फोर्टी थाउजेंड पर डे पासवर्ड बन रहे हैं oh. जितने भी है ये आज hmm. आजकल के स्टेट चल रहे हैं hmm. इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी डेफिनेटली लेकिन हमारा भी इसमें करदार और हमारा भी इसमें बाकी मामला के भी हमें भी इक्वली इनपुट देने की जरूरत है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा तो आई बिलीव के इस तरह के हालात में भी हम सुरगुरु हो सकते हैं एक्चुअली ये है पढ़ाने का अंदाज़ hmm. तो देखिए असलम एवरी एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे डीआईपी की एक न्यू एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी नोटेबल पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा लियात साहब जिनके दो बड़े नोटेबल स्टार्टअप्स हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर डिप डिवेलपीफाई सोल्यूशनस एंड ओ वी लैब्स तो आ, इनका एक एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस से हमने जो टॉपिक को चूज़ किया है वो ऐसा टॉपिक है जैसे आज हमारी पूरी ई e कॉमर्स की इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आई टी इंडस्ट्री को भी आप साइड पर अगर रख दें तो पूरी हमारी नेशन इस टाइम उस चीज़ से सफ़र हो रही है और वो है इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट वो है जो हमारी इकॉनमी की जो इस टाइम सिचुएशन है इन्फ्लेशन है आ, मतलब जितने भी ये सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें ब्रेन ड्रेन को हम देख रहे हैं कि हमारा जो टैलेंटड यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर बैटर लाइफ स्टाइल बेटर अर्निंग ऑपरचुनिटीज़ के लिए जाने की uh, तगो में है डिफरेंट जगहों पर वो पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हैं तो फिर लोग उनसे एक्सप्लोटेशन भी कर रहे हैं ए, ए, एक एक ऐसी कैफियत बन चुकी है कि हमें अपनी जो यूथ है पाकिस्तान की उसका मुस्तबिल हमें नज़र ब्राइट नहीं आ रहा तो इस इशू पे बात करने के लिए मुस्तफ़ा साहब हमारे पास मौजूद हैं और इनका एक एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव है ये लाहौर के अंदर एक बड़ी सक्सेसफुल एजेंसी भी चला रहे हैं जिसमें इनके पास हंड्रेड्स ऑफ लोग इनके पास, पास साइकिल होकर गुज़रते हैं और वो अपने करियर भी बनाते हैं तो इशू कहाँ पे है हम इस इशू को बीइंग एन इंडस्ट्री में होते हुए हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं तो इस वाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे मुस्तफा साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर तो ये इशू है क्या हम इस इशू को इसकी आ, आ, इंटेंसिटी को कैसे गेज कर सकते हैं और स्टेप्स क्या हैं कि हम अपनी नेशन को रीबिल्ड कर सकें इस क्राइसिस से फर्स्ट ऑफ ऑल के वकास साहब बहुत शुक्रिया आपने डिप पे इनवाइट की है और जैसा कि मैं आपका इंस्टीट्यूट का भी देख रहा था बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है जिस तरह से आपने डिफरेंट किस्म की पर्सनस को जो मोस्टली जो वुमेन है आ, आई लाइक वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह उसके हवाले से भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपने बैचेस निकाले हैं आपकी सक्सेस स्टोरीज भी बनी है उसके अलावा यूथ के हवाले से भी थोड़ा सा अगर कुछ कुछ टाइम पहले पीछे चले जाएं हम जिस तरह से भी जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था ट्रैवलिंग से पहले कोई रश नहीं होता था नादरा वगैरह के दफातर में कुछ भी आप सिचुएशन देख लें आज डेली पहले जो मैक्सिमम भी फोर से फाइव थाउजेंड रिक्वेस्टें वगैरह जमा हो रही थी डेली सबमिशन फोर्टी थाउजेंड पर डे पासपोर्ट बन रहे हैं जितने भी है ये आज आजकल के स्टेट चल रहे हैं और इस अभी डी दि, दि, जी जो इन्होंने पासपोर्ट वाले उन्होंने बोला कि अब सैटरडे एंड संडे को भी मशीनें चलनी चाहिए ताकि लोगों के पासपोर्ट बन जाएँ और डेफ़िनेटली hmm. उनका प्राइमरली फोकस तो इसी चीज़ की तरफ ही है कि रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा हो रहा है और hmm. जिस तरह से अभी हमारा पॉलिटिकली भी आज कल एक मीम भी बन गई है कि ठीक है इससे का फ़र्क पड़ता है कोई बाहर भी जा रहा है तो जिसका करप ही है hmm. इस तरह से और इसके अलावा जो मूवमेंट एक बाहर जाने की चली हुई है यहाँ पर एक छोटी सी मैं चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो पाकिस्तान में एक और मसला है हम पचास लाख रुपए में डन बेस पे वीजा तो लेना चाह रहे हैं ठीक hmm. है लेकिन पचास लाख हम पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना चाह रहे डेस्परेशन इतनी ज्यादा है कि exactly. हम सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीजा हमारे माइंड में है जी कि जी बस वीजा लग जाए हम यहाँ से बाहर जाए ये नहीं कि यहीं पर रहते हुए हम उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें Definitely. तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि लोग थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि मेरा पैसा यहाँ डूब जाएगा या बेहतर है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ तो कुछ ना कुछ बन जाएगा तो ये डस्परेशन क्या नहीं लगती है आपको ये डेफिनेटली डेस्परेशन तो है अगर हम इसमें एनालिसिस वगैरह भी करें जिस तरह से लोग पर डे अप्लाई कर रहे हैं साढ़े चार लाख बंदा जो कुछ कुछ माह में पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो गया और ये अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मसला ये है कि हर साल एटी थाउजेंड वन लाख परसेंट तो जाता था प्रॉब्लम अब इसलिए शुरू हो गया कि अब इस बार मुलक से वो जा रहा है जिसके पास पैसा है और जो बिज़नेस कर सकता है पाकिस्तान से अब ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया डॉक्टर्स आ रहे हैं आपके आपके आईटी टी कंसल्टेंट्स जा रहे हैं इसके अलावा जो बाकी पर्सन भी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान से लीव करना शुरू हो गए अब इसमें इनसिक्योरिटी तो डेफिनेटली है बिल्कुल इनसिक्योरिटी की ही वजह से सारे मामलात हुए अभी बिलों का देख रहे थे एक एक जो बंदा exactly. है एग्जैक्टली उसके आ, उसकी इतनी इनकम नहीं है एक बंदा जो मीडिया आता है एग्जैक्टली के घर में ऑलरेडी रह रहे हैं तीन चार बच्चे हैं उसके और अभी सिचुएशन ये थी कि जितने उनके पैसे बने हैं अभी बेचारा डेली सात सौ रुपया दिहाड़ी ले रहा है पंद्रह हज़ार रुपया उसका बिल आ गया तो इस तरह की वह सिचुएशन में लोग क्या करेंगे इन सिक्योरिटीज़ की वजह से ही डेफिनेटली यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं और आई बिलीव कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा टेक इन एक्शन करना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आई एम एफ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो कहते हैं कि आप ये सेट ऑफ रूल्स हैं आपने इनको फॉलो करना है लेकिन वो आई बिलीव कि आवाम के लिए नहीं होने चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है और मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हालांकि Uh, क्योंकि हम बिज़नेस कम्यूनिटी से हम दोनों का एक ताल्लुक़ है तो एक्विटी ऑनरशिप की जो हम जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे फॉरेनर्स को 100% हंड्रेड परसेंट एक्विटी ओनरशिप ऑफर की जाएगी की जा रही है राइट right नाउ इंडिया में दैट इज़ 45% फाइव कि कोई फॉरेनर आके किसी पाकिस्तानी बिजनेस का 100% परसेंट ओन कर सकता है इंडिया में 45% से ज़्यादा नहीं कर सकता मतलब इतना हम फैसिलिटेट कर रहे हैं फ़ॉरन इन्वेस्टर्स को फिर हमारे यहाँ स्टार्टअप्स के भी इनिशेटिव जितने हो रहे हैं अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ आ, इदारे पाकिस्तान में भी एक्टिव हुए हैं और वो स्टार्टअप्स uh, ऑन्टरप्रन और उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ इनिशिएटिव्स ये लिए जा रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरी तरफ ये जो इश्यूज़ हैं मैंने अभी तक इन इश्यूज़ को मिटिगेट करने के वाले से ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज़ को देखा है अभी तक और ना ही जिस तरह हम लोग हैं हमारी तरफ से जिस तरह हम बात कर रहे हैं एक अवेयरनेस कैंपेन देने की कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव भी नहीं देखा तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री के साथ हमारा ताल्लुक़ है तो हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं क्योंकि हमारा अगर वो टैलेंट जिसने फ्यूल बनना है हमारी इकोनमी को अपलिफ्ट करने का वही अगर बाहर जा रहा है तो इसमें ज़्यादा स्टेक ज़्यादा रोल किस प्ले करना है हमने करना है गवर्नमेंट ने करना है मिल के करना है किस फर्स्ट स्टेप किसको लेना चाहिए अभी आई बिलीव के uh, पहला स्टेप तो हमेशा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का होता है उनका भी थोड़ा सा टेक इन एक्शन लेना चाहिए दिस इज़ लाइक अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्क में एमरजेंसी सिचुएशन बन गई हुई है अभी तो जो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पॉइंट से भी हट रहा हूँ उसके बाद भी आऊंगा अभी कि मैं करंटली सिचुएशन बता रहा हूँ कि अभी जितने भी पहले थाईलैंड या मलेशिया या सिंगापुर जाना है आपने बड़ा इजीली चले जाते थे अब फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर मलेशिया सिंगापुर के लिए दुबई के लिए एफ़ आई ए वाले रोकने लग गए हैं कि लाइक है क्योंकि ये अब 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 ये मुल्क की सिचुएशन के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हो रही है लोग जाके स्लिप हो रहे हैं अब उनके लिए भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं जो वीज़ा जो जनवन ट्रैवलर्स हैं बिल्कुल जो जो बिजनेस कम्यूनिटी है जिन्होंने आ, शेंजन एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ के पार्ट्स में जाना है उनके लिए प्रॉब्लम बन गया स्क्रीनिंग ज्यादा स्क्रीनिंग भी ज़्यादा हो गया अब आपका रिजेक्शन रेट भी इस वजह से बढ़ गया हुकूमत के एक्शंस के हवाले से हुकूमत को भी करना चाहिए हमें भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से भी और जो अभी फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है ठीक है आ, सिंगापुर में भी आगे प्रॉब्लम आ रहा है जर्मनी में भी आ रहा है उनके बूढ़े जो हैं दुनिया से जा रहे हैं उनके पास इतनी यंग जनरेशन नहीं है कि चीज़ों को टेक ओवर कर लें हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें यंग जनरेशन भी अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे कि आपने भी बोला था कि इंडस्ट्री में ये जो गैप है इंडस्ट्री का ये जो गैप है अभी एक बच्चा तो यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया है पढ़ के आ गया है अब वो इंडस्ट्री में भी नहीं सकिन हो रहा ना उस तरह से कुछ मामला कर रहे हैं अब इसमें भी आईटी सेक्टर में भी जैसे कि अक्सर मैं हायरिंग्स वगैरह करता रहता हूँ और हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं हम डिफरेंट किस्म की एजेंसीज को नाउन नेम्स हैं रोजी डॉट पी mm. के आगे हैं इसके अलावा जॉब भी आ गए हैं डिफरेंट किस्म के एग्जैक्टली mm. exactly, इंडियन भी लिंगडिन पे भी लोग mm. हायरिंग कर रहे होते हैं हमें स्किल्ड बनना चाहिए लेकिन पर्टिकुलर स्किल्स वाला हमें मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा ये बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है इसमें हालाँकि हम एक अच्छी बड़ी जो तादाद है स्टूडेंट्स की ग्रेजुएट्स की वो हर ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि वो जो गैप है ना वो बड़ा विजिबल है आपकी इस बात से कि इंडस्ट्री और एकेडीमिया एकडीमिया जो हमारा बच्चा ग्रेजुएट करके निकाल रही है उस बच्चे को अपने बारे में नहीं पता कि मैंने मतलब उसको सिखाया क्या गया इंडस्ट्री के लिए उसको कितना तैयार किया गया और जो इंडस्ट्री को जो बच्चा वहाँ से मिलता है वो इसकेपेबल का होता नहीं है कि वो फौरी तौर पर ब्लेंडिंग हो सके हमारे उस कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के अंदर तो उसको बड़ी एग्रेसिव किस्म की हमें इंटर्नशिप्स करवानी पड़ती हैं और ये सारे मसले मसाइल होते हैं तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो आप ओ वी के ऊपर या डेवलपिफाई के ऊपर आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं क्योंकि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट आप भी हायरिंग करते हैं हम भी करते हैं तो Uh, आपकी तरफ़ से क्या इनिशिएटिव्स हैं कि जो यूथ आपके पास आती है आप उनको कैसे स्क्रीन करते हैं और जो रिजेक्शन होती है उनको आप क्या गाइड करते हैं और जो आपके पास सक्सेसफुली uh, इनटेक uh, हो जाते हैं उनका आगे किस तरीके से फ्यूचर डिसाइड होता है सबसे पहले तो हायरिंग प्रोसेस तो दैट्स वेरी ट्रेडिशनल जिस तरह से मैंने अभी बात की है कम्युनिकेशंस में थ्रू डिफरेंट चैनल्स मीडिया के थ्रू हम स्क्रीनिंग वगैरह कर लेते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं हम उनको इंटर्नशिप ऑफर भी करते हैं और रिजेक्शन हो जाते हैं हम अलहमदिल्ला ये करते हैं कि एटलीस्ट कंपनी में बताते हैं बच्चे को बाद में कि आपके इन एरियाज में ज़रूरत थी आपने उन एरियाज़ को इम्प्रूव करना है आप उनको ले कर आगे चीज़ों को करें बाद में फिर आप ट्राई गें नेक्स्ट टाइम इस पर भी और इसका ये जो गैप है इसको थोड़ा कर, थोड़ा कम करने के लिए वी इनिशिएटेड बूट कैंप सिस्टम जिसमें सबसे पहले हमने शॉपिफाई के प्रोग्राम्स बिकॉज ये शॉपिफाई इज एक्सपर्ट एजेंसी और हमें पता है कि आगे जितना भी सारी चीज़ें कोविड के बाद ब्रिक एंड मोटल्स का कॉन्सेप्ट आलमोस्ट बहुत स्पीड से ट्रांजेक्शन हुए हैं ई e कॉमर्स की तरफ आया तो ई कॉमर्स में शॉपिफाई बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ शॉपिफाई लेकिन कंपैरेटिवली ऑन बोर्डिंग और बाकी प्रोसेस वगैरह काफ़ी आसान है तो हमने इस पर भी परसू करवाया हमारे एप्स वगैरह के हवाले से भी हम चाह रहे हैं कि ये जो यंग जनरेशन है जिसके पास जो बाहर जाना चाह रहा है आ, उसके पास स्किल है उसके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको डिजिटल आर्ट वर्क है उसके ऊपर वो परसू कर सके ठीक है उनको बूथ कैम्प बेसिकली करवाने का ये मकसद है कि कुछ ना कुछ सीखे वहाँ से ठीक है इस तरह से हमारे जो सेकेंडली वेब डिजाइनिंग किस में प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा हम आगे पी पी वग़ैरह भी एप्स डिवेलपमेंट भी आस्ता आस्ता हम इन चीज़ों को भी एक्सपेंड करते जाएंगे ठीक से तो इसके थ्रू भी हम आ, टेक इन कर रहे हैं कि जितना भी बच्चा जो ये जो यूनिवर्सिटी का ये जो गैप है करंटली चल रहा है इनको किसी तरीके से ट्रेनिंग करके किसी तरह से सिस्टम का भी दोबारा से पार्ट बनाया जाए बेसिकली हम इसमें भी अपटैंड से भी करना चाह रहे हैं सही तो जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं लाइक हम जब देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं मतलब जब बैचलर्स करके वो निकलते हैं तो उनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने फील करना क्या है बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर्स के अंदर इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं मेजॉरिटी जो होते हैं वो जस्ट अपने फ़ाइनल टर्म्स तक ग्रेजुएशन तक वेट करते हैं तो आपने वैसे क्या देखा है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं अब देखें वो जो इस तरह हम बात कर रहे थे कि वो जो लोग जो जिन्होंने फ्यूल बनाया है इकॉनमी का वो तो बहुत कम है मेजोरिटी उनकी है जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो आपकी ऑब्जर्वेशन में ऐसे लोग आ, कितने आए हैं आप आपका मेकनिज़म क्या है किस तरीके से आप उनको टैकल करते हैं हमारा जो बूट के वाले से आ, पहला स्टेप जो है हम आ, हम एप्लीकेशन सारी ले रहे हैं उसके है। बाद हमने सोचा कि बीच में थोड़ा सा एक मैंटोरशिप का भी सेशन कर लेते हैं हायरिंग हमें पता कि हमने अगर आ, जो बूट कैम्प फ्री भी करवा रहे हैं हमारा प्रोसेस में यही है कि हमें रेलिवेंट बंदा ही उस फील्ड का मिले अब इस तरह से एक बंदा जो है आ, जो ई e कॉमर्स की एक बंदे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ठीक है उसने कहीं से कोर्स वगैरह देखा है वो कहता है मैं आके इसमें आके वो कोर्स में इनरोल हो जाता हूँ वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी प्रॉब्लम है हमारा जो बैच है टेन बंदों का है पंद्रह बंदों का है उसमें वो जो क्यू में बंदा जो दूसरा लगा हुआ है उसका भी कई टैलेंट जो वो भी वो मे बी उससे ज़्यादा डिज़र्विंग हो कोई बाकी मामला भी हों और उसकी जगह पे जो बंदा जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हम अपने अपना टाइम भी लगा रहे हैं उस पर फ्री बूट कैंप पे उसके ऊपर रिसोस भी लगा रहे हैं हमने बाकी मामला भी किए हैं तो उसके ऊपर भी हम बेसिकली इसमें स्क्रीनिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं और बीच में जो मैंने मैंटोरशिप की बात की है वो दरमियान में बूट कैम्प करवाने से पहले मैंटोरशिप मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी है कि उसके थ्रू हम जो स्टूडेंट जो हैं इनको पहले देख लें आगे तुम्हारी ये फील्ड भी है क्या तुम्हें ये वाकई लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है बिल्कुल ठीक है एक फॉर एग्जांपल एक वीडियो एडिटर है उसको शॉपिफाई की तरफ आने की क्या जरूरत exactly है एग्जैक्टली ठीक है और एक जो बंदा जो डेवलपर है अगर वो जाकर टिकटॉक वगैरह पे बैठ के काम करेगा तो फिर उसकी डेवलपमेंट वाला काम कौन करेगा एग्जैक्टली exactly. ठीक है और यूनिवर्सिटीज में ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी मैंने काफ़ी ज्यादा ये चीज़ें देखी हैं कि लोग बैचलर्स तो कर लेते हैं तो अच्छा इस फील्ड में क्यों आए हो नहीं जी वो हमारे वहाँ वैसी कंबाइंड फैमिली का कल्चर है हाँ। तो पेरेंट्स का यहां पे बहुत ज़्यादा जाता है एग्जैक्टली exactly. अभी पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है इंजीनियर ही बनना है तो मैं बस इंजीनियर बन गया मेरा जिधर भी नाम आ गया है वो भी है ठीक है ना वो मैं, तो, मैं आज एक क्लिप देख रहा था कार्टून क्लिप था फैमिली गाय ठीक है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एक ड्रामा है उसमें एक बाप दाखिल होता है बच्चे के कमरे में कहता है आर यू अ डॉक्टर येट डैड आई एम ट्वेल्व नाउ ओके मीट मी बन यू आर डॉक्टर ओके okay. <laughs> <laughs> तो तो ये ये भी तो इसमें आप क्या समझते हैं हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है कि उन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर मतलब एक एग्रेसिव एक हैमरिंग की है कि तुमने ये चीज़ बनना है और उस बच्चे की अपनी काउंसलिंग नहीं हुई Definitely. आप आप जो चीज़ कर रहे हैं ये तो खैर आपकी आप एक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हमारे उन बच्चों को आप एक काउंसलिंग करके उनको बता रहे हैं कि आपकी है ये फील्ड ये होनी चाहिए लेकिन यही चीज़ क्या उनकी बैचलर्स के जब वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि हमने ग्रेजुएशन इस फील्ड में करी है क्या उस टाइम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो थ्रू आउट लाइफ में होनी चाहिए हुँँ. अभी तक हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुन्स है इवन के बच्चे जो है बड़े भी हो गए हैं आगे बड़े हो के उनके आगे भी बच्चे भी बड़े हो गए बट कोई भी लाइफ में डिसीजन लेते हुए फिर फिर वो कहेंगे कि मुझे आ, अम्मी से मशवरा करके कोई या अबू से मशवरा करके मैं आपको बता सकता हूँ तो लाइफ में थोड़ी सी शुरू में ही आ, बच्चे को मैं समझता हूँ टेक में आ, जितने भी आ, अभी हम आ, जो वीडियो गेम्स वगैरह खेला करते थे वालदेन हमें कान से पकड़ते थे ला के घर में बिठा थे एग्जैक्टली तो जो मेरी नील्स है अभी मैं एक मीम देख रहा था कि जिसमें कार्टून है कि हम मिली जो मिलीनियन है सॉरी बार दफ़ा बंदा स्लिप हो जाता है तो जो ये जो 90s के बंदे हैं ना उर्दू में बात करते हैं ये जो नाइन्टीज़ के बंदे हैं हाँ। है ना अब उनका मीम बना हुआ कि उनको ना वाल्डेन बाहर से उसने हाथ में बैट पकड़ा हुआ वा, वालदन उसको कॉलर से पकड़ा हुआ अंदर को खेच रहे हैं अभी ये जो नई जनरेशन है इनको वाले पकड़ के कॉलर से पकड़ा हुआ बाहर, पकड़ा बाहर ले के के ले और हाथ में मोबाइल है इनके। <laughs> तो इस तरह से ये बड़ा ट्रांजेक्शन है और इस तरह से मामला भी चल रहे होते हैं तो करियर काउंसलिंग शुरू से ही जरूरी है और बाकी मामला में भी अभी सिंगापुर की एक पोस्ट मेरे सामने आई थी टीचर ने सेंड की थी जिसमें बहुत अच्छी बात की हुई थी मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ उनके एजुकेशनल सिस्टम्स के हवाले से उनका जो पोस्ट थी उन्होंने बच्चों को लेटर भिजवाया करो उन्होंने बोला कि देखें आप में से आपका बच्चा एक आर्टिस्टेट आर्टिस्टे है आर्टिस्ट है फॉर एग्जाम्पल उसको लाइफ में कभी भी इस चीज़ का कंसर्न नहीं होगा कि एस टू एस एफ ओर सल्फ्योरिक एसिड होता है वो केमिस्ट्री उसके लिए मैंने रखती नहीं है ठीक है आप में से कोई एस्ट्रोनॉइड बनेगा जिसके लिए जो जो आर्ट का काम हो कोई मैंने नहीं रखेगा ठीक है आप में से कुछ ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनके लिए बाकी फील्ड में मैंने नहीं भी रखेंगे भी। तो आप लोगों ने बच्चों को नंबर्स के हवाले से कभी भी इनको प्रेशराइज भी नहीं करना exactly. और लेट देम एक्सप्लोर और इस तरह से गाइडिंग और वक्त के साथ साथ उनके लिए मैंट्रोशिप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जी ये, ये तो जो आप काउंसिलिंग का काम कर रहे हैं आई बिलीव कि ये जितने भी हमारे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लोग हैं इन सबको ये मेरे ख्याल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एटलीस्ट अगर हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ये काम नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से आ, ऐसे मेरा ख्याल है कि ऐसे सेंटर्स होने चाहिए थे कि हम बच्चों की अपनी मतलब क्या ये पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं बनता कि हमें इंजीनियर्स कितने पैदा करने हैं हमने डेवलपर्स कितने पैदा करने हैं ठीक है मतलब पैदा करने से मुराद ये है कि कितने स्किल्डफुल लेबर हमने मार्केट में लेके आनी है तो ये जो डिमांड है ये उनको डिमांड इंडस्ट्री से लेके पॉलिसी मेकर्स को इस तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लेके एजुकेशन जो हमारे एकेडेमिया है उसको देनी चाहिए थी मेरा ख्याल है तो ये जो आप काम कर रहे हैं दैट दैट इज़ हाईली अप्रीसीबल तो एक चीज़ मुझे बताइए कि uh, आपका एक्सपोजर आपने डिफरेंट इंटरनेशनल सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसिस में भी आपने शिरकत की है और हम लाइक uh, like, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि सिंगापुर है ना फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर ने भी जब इंडिपेंडेंस ली थी तो उसकी हमसे भी बुरे हालात थे वो एक नेशन तबाह हाल नेशन थी ठीक है infrastructure कुछ भी नहीं था उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया है कोरिया वार हुई आज साउथ कोरिया का आप देखें टेक्नोलॉजी में एक पूरा नाम है तो yes. वहाँ की यूथ ने उन नेशनस को बिल्ड किया है हमारी तो अलहमदिल्ला ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है एटलीस्ट हम 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 सर्वाइव कर रहे हैं कुछ ना कुछ किसी किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं आपने जो बाहर जाके देखा है डिफरेंट ऑब्ज़र्व किया है उन लोगों का थिंकिंग क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा तो आई बिलीव कि इस तरह के हालात में भी हम सुरगुरु हो सकते हैं तो क्या है जो उनके पास है जो हमारे पास नहीं है आ, मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ जो मैंने फंड वहाँ पर देखी है कि स्पॉटेड आप किसी भी कंट्री में वीजर्स के वाले से भी जैसे कि लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टिल यूके में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने फंड रखा हुआ है सही उसको बोलते हैं आर एंड डी फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड ठीक है उस पर रखा हुआ वो उनकी जो बारह जमात वाला जो बच्चा है यहाँ पे आ, वो इस तरह से यहाँ परफॉर्म पर नहीं कर पाता क्योंकि हमारे एक तो करिकुलर का मसला है और अगर हम उन, उनके कंपैरेटिवली देखें मैं अभी डब्लिन टेक्स समिट में था बारह साल के बच्चों जो बारह जमात वाला बच्चा है आगे उसने यूनिवर्सिटी में जाना है उससे पहले रोबोटिक्स के ऊपर काम करके लेके आए सही इस तरह से तो बेसिकली इनोवेशंस को हमें ग्रूस रूट लेवल पे ला के कॉलेज़ से ले चीज़ों को ले चलने की ज़रूरत है हमारे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है अभी भी आ, अभी कुछ अरसा पहले ही जो हमारी आईटी की बुक्स हैं उसमें हमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है अभी भी डिस्करेजमेंट ये डिस्क्रेजमेंट हाँ थोड़ी सी की है ये यंग हाँ। जनरेशन ने आके चीखी है इन्होंने बोला कि भाई फ्लॉपी डिस्क अब तो उनके तो फ्लॉपी ड्राइव्स मिलते भी नहीं है ना फ्लॉपी exactly डिस्क का टाइम ही चला गया आप लोग अभी भी हमें फ्लॉपी ड्राइव भी पढ़ा रहे हैं तो माउस ये माउस होता है ये कीबोर्ड होता है, और भी इसमें वो वाला, वाला है तो पे, पे चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है hmm. इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी डेफिनेटली लेकिन हमारा भी इसमें करदार और हमारा भी इसमें बाकी मामला भी इक्वली भी इनपुट देने की जरूरत है सही वाले से तो आपने आपका जो मेन फोकस है आपकी जो मेन डोमेन है वो ई कॉमर्स जी जी ठीक है तो जब मैं पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स की बात करता हूँ ना तो सबसे पहले लोगों का ये एक कंसर्न आता है कि अच्छा अगर मैं बिज़नेस करता हूँ ई कॉमर्स का तो पाकिस्तान की मार्केट इस टाइम इन्फ्लेशन के अंदर है मतलब एक इस टाइम हालात ऐसे शायद एक परसेप्शन जाता है कि शायद बायर्स की ये इस टाइम हालत नहीं है कि वो परचेज़ कर सकें कोई चीज़ एक तो ये कंसर्न हो सकता है दूसरा कंसर्न ये है कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इवन के कस्टमर तक स्कैम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में हर जगह पे होता है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा है बिजनेस भी स्कैम करते हैं कस्टमर्स भी स्कैम करते हैं तो इस तरह के जो लोगों के कंसर्नस हैं आपको इसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्नस पता होंगे तो एक न्यू पर्सन जो कि लट से शॉपिफाई अपना बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो लोग जिनको इसका आइडिया नहीं है आप ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट करें कि शॉपिफाई है क्या ठीक है ई कॉमर्स के अंदर इसका क्या रोल है और आप क्या सर्विसेज देते हैं और ये जो कंसर्न्स हैं क्या ये वाकई मौजूद हैं या नहीं है और जो आपकी मेंटोरशिप है वो इसमें किस कदर आ, इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए रोल प्ले करती है शॉपिफाई की अगर लेमैन के हवाले से मैं एग्जांपल दूँ तो जिस तरह से मोहल्ले में एक डिपार्टमेंट स्टोर है ना ठीक है उसमें आपने सारा स्टोर्स की प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई हैं आपने इन्वेंट्री भी सारा कुछ सेटअप किया हुआ है ठीक है यही अगर हम इसी ब्रिक एंड मोटर स्टोर को पकड़ के ऑनलाइन ले, ले जाएँ दिस इज़ कॉल्ड शॉपीफाई ठीक है शॉपिंग के हवाले से इसका नाम भी शॉपिफाई है शॉपिंग से निकला है शॉपिफाई इन्होंने कर दिया है ये हो गया और सेकेंडली दूसरा ज़रा काइंडली वो आ... दूसरा ये कि जो आ, मतलब मैं अगर चलें ठीक है मुझे शॉपिफाई समझ आ जाता है और मैं कोई मेरे पास कोई होम रन बिजनेस है मैं कोई चीज़ घर से ही बना रहा हूँ या फिर कुछ भी है फैमिली बिजनेस है मैं अब उसको ऑनलाइन शिफ्ट लेके जाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा कंसर्न है कि ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं पता नहीं बैंकिंग इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड नहीं है बहुत सारे इशूज़ मेरे कंसर्नज़ हैं स्कैम्स का एक मेजर कंसर्न है तो क्या पाकिस्तान में इस तरह का सेफ़ इन्वायरमेंट बिज़नेस ऑनर्स के लिए फिर इस तरह की अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं क्या इन कंडीशंस में भी हम क्या ई कॉमर्स e का बिज़नेस पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं आई बिलीव के कोविड जैसी तो सिचुएशन नहीं हो गई थी हाँ, पूरी वर्ल्ड तो में तो थी, थी। वो सबसे ज्यादा सिचुएशन थी उसमें भी बिजनेस ने थ्राइव किया है ठीक है, है और जो पाकिस्तान में आ, सबसे ज्यादा जो मॉडल है वो कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है इसको भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल में बैंकिंग में जाने की जरूरत है लेकिन इसमें भी डिजिटाइजेशन में भी कमी कोताही है इसलिए आपका अप टू एटी स्टिल कैश ऑन डिलीवरी पे चल रहा है और कैश ऑन डिलीवरी है डेफ़िनेटली इसमें स्कैम्स भी आ रहे हैं डेफिनेटली दस से पंद्रह परसेंट एक किसी भी ब्रांड की जो ई e कॉमर्स की प्रोडक्ट्स क्या रिटर्न है वो तो एग्जिस्ट करता है ठीक है कुछ uh, जो इसमें uh, जो शॉपिफाई में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं देर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर न्यू कॉमर्स देर इज़ ऑलवेज न्यू कॉम्पिटिशन इसमें आपको आना चाहिए स्कैम uh, ये शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं बाद में भी एग्जिस्ट करते रहे आई का जमा नहीं था आज ए आई इवॉल्व हो रही है ना चीज़ें एक एक साल में बड़ी तब्दीली आई है अगले वाले टाइम में भी अभी ये स्कैम एग्जिस्ट करते ही रहेंगे लेकिन बात यह है कि आपने मार्केट में भी थ्राइव करना अगर आप में पोटेंशियल है बिजनेस करने का आपके पास कुछ मार्केट में जो आप गैप देखते हैं उसके मुताबिक कुछ चीज डिवेलप करके कुछ बना के मार्केट में लेके आते हैं तो डेफिनेटली लोग आपकी परचेज करेंगे चीज़ें अभी आपके पीछे ही वो नमक वाला पड़ा हुआ है ये पता है कि ये जो पिंक साल्ट है इसकी पिंक हे हे साल्ट। बाहर एग्जैक्टली exactly कितनी डिमांड है बहुत डिमांड है इसकी, इसकी इसी की डिमांड है ना हाँ तो आप इसका पिंक हमालिया ये जो पिंक साल्ट हमालिया वाला है इसको प्रोड्यूस करें इसके लिए आ, एस, आ, अपनी प्राइवेटाइजेशन अपनी कंपनी जनरेट करवाएं रजिस्टर करवाएं पाकिस्तान में इसका ई कॉमर्स स्टोर खोलें हम दुनिया को बताएं इवन के पाकिस्तान में भी आ, एक स्पेसिफिक निच है जो ये आ, ये जो पिंक साल के बने हुए स्टैचूज़ हैं बहुत आ, मज़े की प्रोडक्ट्स है बेसिकली ना इससे हेल्थ के भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं कि कमरे में हो तो फिर कुछ इस तरह से आयोडीन वगैरह का डेफ़िनेटली इंपेक्ट होता है एंड टीक्स भी इसके होते हैं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह से तो देखें आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों की नीड है आपने सराउंडिंग से ही आपकी सराउंडिंग से मैंने आपको नया बिजनेस आ, पिंक साल्ट वाला बता दिया नेशनल लेवल पे भी इसकी डिमांड एंड टेक्स वगैरह के भी इंटरनेशनल भी है इंडिया भी जो पाकिस्तान से ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवा के और बाद में ऊपर मेड इन इंडिया लिख के आपके वाले वही वाली वाइट लेबलिंग करके वो भी बाहर सेल कर रहे हैं तो इस तरह से देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी बाकी आपने एंड में जो थर्ड क्वेश्चन किया था मैंटोरशिप के हवाले से तो इंटरव्यू के दौरान भी हमने मैंटोरशिप का इसलिए सेक्शन ही इंट्रोड्यूस करवाया कि आपको इस फील्ड में क्यों आना चाहिए अगर आपको हम मना कर रहे हैं तो किस वजह से मना कर रहे मे बी आपके लिए फील्ड नहीं है मे बी यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन इस तरह से अगर बचपन से मैंटोरशिप नहीं हुई एटलीस्ट कम अज कम अब तो आके कर देना इनकी बिल्कुल कि कहीं से कोई Uh, कतरे कतरे से दरिया बनता है कि समटाइम्स स्मॉल स्टेप्स टेक्स जनरेट बिग थिंग्स तो इस तरह से होता है एक uh, अगर मैं अपनी बचपन में बात करूं कि uh, लोग कहते हैं कि हाउ यू केम इन टू आई टी सेक्टर ब्रेन कॉलेज में एक मेरे टीचर हुआ करते थे ये मैं मैट्रक की बात बता रहा हूँ उनसे छुट्टियों uh, में यूजअली फ्री होते थे पाकिस्तान में ये जनरेशन का बड़ा मसला है कि छुट्टियाँ हैं ना तो बहुत जाना की तरफ जाना कलेक्ट करना है एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो मुझे थोड़ा सा शुरू से क्यूरियस था मैं कि कुछ सीखना चाहिए ना तीन तीन माह पूरे पड़े हुए हैं फ्री हैं काम शाम भी डेली कर रहे हैं बाकी मामला भी क्रिकेट भी चल रही है तो मैंने सोचा कि मैंने ना ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है तो वहाँ पर टीचर्स उन्होंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ हम ये ना वेब डिजाइनिंग भी कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग ये वेबसाइट वगैरह क्या होती है चीज़ें नई नई इवॉल्व हो रही है ना इंटरनेट का दौर है बाकी चीज़ें भी तो मैं कहा वेब पेजेस तो याहू वगैरह तो देखा है चैट भी देखी है बाकी मामला भी किए ये बनती कैसे है आई वॉज ए बिट क्यूरियस के मतलब ये चीज़ बन कैसी रही है वहाँ से उनसे मैंने कोर्स किया दैट वॉज़ माई लाइफ टर्निंग मोमेंट सही वहाँ से मैंने कहा कि ये मुझे चीज़ एस करना सी करना मुझे इतना पसंद आया यहाँ से ही मैंने करियर का परसू किया उसके बाद आईटी सेक्टर में खुद आया हूँ इंजीनियरिंग का मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैंने कंप्यूटर hmm. इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद लाइफ का फिर एक वो टर्निंग पॉइंट था वो आपका पैशन exactly, वही आगे आगे से टर्निंगली वहीं से स्पार्क वहीं से मिला hmm. है अभी लास्ट वीक भी मैं अरफा करीम में था बच्चों को ई e कॉमर्स के हवाले से एक सेशन देना था एक घंटे का था टोटल चालीस पचास बच्चे थे मैट्रिक उन, उन uh, वाले बच्चे थे सिचुएशन मेरे वाली है टाइम थोड़ा गुजर गया नई जनरेशन है बाकी मामला हैं लेकिन ये वो, वो जनरेशन है जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कोई गाइडेंस नहीं है exactly. <laughs> अच्छा उनका तीन दिन का प्रोग्राम चल रहा है उसको कभी सोशल मीडिया पढ़ा रहे हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं अच्छा बच्चे बोर 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 हो जाते हैं ये जो नई जनरेशन है ये बहुत जल्दी बोर हो जाती है आप इनके साथ इंगेज रहना तो इनको आपको

उन बच्चों को मैंने एक घंटे में लिटरली आई वॉज नॉट अवेयर के देआर uh, uh, बाकी भी उसमें कुछ बंदे थे जो मॉनिटर कर रहे थे एवेल्युशन्स कर रहे थे कि आउटपुट बच्चों का क्या आता है ठीक है एक घंटे में मैंने शॉपिंग पार्टनर अकाउंट उनको बनाना सिखाया एक स्टोर बनवाया उनसे ना पांच प्रोडक्ट्स बनवाई और उनसे, उनसे उन्हीं के स्टोर पे उनसे एक प्रोडक्ट मैंने बाय करवाई That's ये state. आपका ये सारा ई कॉमर्स e का जर्नी होता है और उसमें बच्चे इतने खुश थे कह रहे थे कि सर मैंने आपके साथ तस्वीर बनवानी है सारे बच्चे आ गए तीस चालीस बच्चे जितने भी उन्होंने सारे उन्होंने तस्वीर बनवाई है और उसके बाद जब सेशन एंड हुआ बेसिकली तीन दिन की जो वर्कशॉप चल रही थी उसमें ही एंड वाला सेशन था चेरी ऑन टॉप था ये। एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो एंड में वो चेरी ऑन टॉप इस तरह से होगी कि वो वो चेरी ऑन टॉप ही इतना अच्छा हो गया कि बच्चों ने बोला कि सर एक्चुअली ये है पढ़ाने का अंदाज़ तो देखें जो जनरेशन है जो हमें उनको, उनको उनके मुताबिक ही पढ़ाने की और हमें बताने की ज़रूरत है इस तरह से ऐसे ही हमेंटोरशिप हम, तो ही इनकी ज़रूरी है इसका मतलब ये कि हम जो मेजोरिटी जो लोग हैं हमारे हैं हम अपने यूथ को अपने यंग जनरेशन को समझते ही नहीं है एग्जैक्टली ठीक है ये एक बहुत बड़ा इशू है तो Uh, मतलब ये जो ई e कॉमर्स की जो आप चीज़ बता रहे हैं डेफिनेटली ये उनके फ्यूचर में कहीं कही ना कहीं क्लिक करेगी और exactly. यहाँ जो एक की टेक अवे जो uh, मैं जो समझता हूँ कि वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि uh, जिस तरह आपने बताया कि आप अपने मेट्रिकुलेशन में थे आप अपने वेकेशंस में थे आप स्लैक ऑफ भी कर सकते थे आप उस टाइम को किसी दूसरी चीज़ में भी स्पेंड कर सकते थे बट एक क्योरियोसिटी अपने अंदर एक स्किल पैदा करना अपने आप को अप करना हर टाइम वो एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है तो मेरे ख्याल है एंटरटेनमेंट भी अपनी जगह पे है इन्फोटेनमेंट भी अपनी जगह पे है लेकिन लर्निंग करना अपनी हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए Definitely. और आज आप जहाँ पे हैं वो आपके उस एक डिसीजन की वजह से ठीक है जो कि बड़ा टफ़ होता है मतलब आप अपना इंटरटेनमेंट टाइम छोड़ के आप एक सू एक मतलब सूखी सी एक्टिविटी मैं कहूँ कि बोरिंग बोरिंग एक्टिविटी क्योंकि क्योंकि हमारा माइंड तैयार नहीं होता उसको प्रोसेस करने के लिए ठीक है वो एज ही ऐसी होती है तो ये एक ब्रेक थ्रू अपने कम्फर्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करना ये बड़ा मुश्किल होता है तो अच्छा ई e कॉमर्स में लट से अगर कोई पर्सन ठीक है कन्विंस हो गया ठीक है हमें पाकिस्तान में कोई करना चाहता है तो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या है आपके साथ अगर कोई लट से करना चाहता है सीखना चाहता है या कोई इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा भी है तो क्या उसको भी आप ऑन बोर्ड लेते हैं या फिर आप सिर्फ़ एक ऐसा पर्सन जो स्किल लेना चाहता है उसको आप सिर्फ सिखाते हैं इसके वाले से आपने टर्म्स सही होगा वी तो सी फंड्स जो होते हैं बाकी चीज़ों में इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाह रहा है ई कॉमर्स में ऐसे यंग जनरेश जिनको भी फंड की जरूरत है बिल्कुल ठीक है।, है सीड इन्वेस्टमेंट सीरीज फंडिंग के थ्रू ये प्रोसेस को इन्वेस्टर अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं बच्चों के पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं उसके ऊपर डेफिनेटली हो सकता है इस चीज़ के वाले से भी मैं ये चीज़ें कुछ खुशाइन समझता हूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इनकोबेशन सेंटर्स बन गए हुए हैं ठीक है अगर आप जो स्टूडेंट मेरा जो मैसेज सुन रहे हैं अगर वो किसी इनक्यूबेशन सेंटर का विजिट नहीं कर रहा तो मेरे समझ से मैं समझता तो हूँ उसके लिए ये अल्मी है उसको सोचने की ज़रूरत है कि मैं इनकोबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी में उनके साथ इंगेज नहीं हूँ जिस तरह से हमने बोरियत की बात की या खुश मामला की बात की कम्फर्ट जोन से निकलें वहाँ पर इंकोबेशन सेंटर्स को विज़िट करें आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है सेल करनी है ई कॉमर्स इन्वॉल्व है ठीक है आपने कुछ भी बना लिया जब तक वो दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे एग्जैक्टली exactly. तो जब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे इनकोबेशन सेंटर्स में जाके विजिट नहीं करेंगे आपका एक इनोवेटिव आइडिया मुझे किस तरह से परसू होगा बिल्कुल डेफिनेटली cool. तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है बीसीस के साथ भी अटैच हों सॉटवेर हाउस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के साथ भी अटैच हों बेसिकली बूट कैंप्स ये नया इनोवेटिव आइडिया नहीं है बेसिकली अच्छा. सब यही कर रहे हैं ठीक है uh, आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं बेसिकली है। हमारा हम सब का एम तो यही है यह ना कि ये जो गैप है हम बेसिकली इसको कम इसको करें ना फिल करने करेंटली ये कुछ लोग जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं हम उनका दे दें हमारे दौर में तो हमें तो कोई बताता नहीं था के ये ये बेटा टेलीकॉम टेलीकॉम है 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 में बूम है, दस साल बाद देख रहे हैं वो पीक पे आई है, अब उसकी जॉब्स कोई नहीं है। हमने तो वो एक टाइम गुजारा है कि जब यूट्यूब का डोमेन फ्री था एग्जैक्टली exactly. जब मतलब हमारे पेरेंट्स ने वो टाइम गुजारा जब अमेजोन का डोमेन किसी ने नहीं परचेज किया था एग्जैक्टली ठीक है ठीक है जब जब फेसबुक कोई को नहीं जानता था माई स्पेस का चर्चा होता था ऐसे ठीक है तो डेफिनेटली मतलब इसका मतलब ये है कि आज हम अगर समझ रहे हैं कि सब कुछ सेचुरेट हो चुका है कोई गैप नहीं है जिस तरह आपने पहले बात की थी कि मार्केट गैप देखें आप अपना कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आए देखें कि नीड है किसी चीज़ की वांट है उसका गैप कहाँ पे है वो चीज़ आप देखें तो डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप मैसेज क्या देंगे हमारे स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ाइनल यर्यर्यर्यर्यर्यर्स के अंदर हैं या आ, अनकरीब वो ग्रेजुएट होने वाले हैं और जो इस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं या फिर जो समझते हैं कि अभी हम फिट नहीं कर रहे उस जॉब में जिसमें में भी हूँ ठीक है शायद मैं फ़ील करता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ राइट जॉब फॉर मी उसके लिए क्या मैसेज है वो कैसे अपना राइट पाथ ढूंढ सकता है इसके लिए जो जो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक तो आपने ग्रेजुएट कर ली है हुँ. जितनी भी तालीम लेने का बेसिक मकसद क्या है यही है ना कि अवेयरनेस आपको मिलगी बिल्कुल ठीक है तो अगर आप रॉन्ग फील्ड में आ गए कैन करेक्ट एनी टाइम ठीक है, है? अब एक जो लाइफ में जो के एफ सी की आप बात करें अभी हमने थोड़ी देर पहले भी खाया था ऐसे <laughs> ही है इसको सेवेंटी प्लस ईयर्स में जा कर सक्सेस मिली है ठीक है? है अगर आपने बीस exactly, साल की तो आपकी सारों की सेम है जो है ना अठारह साल तक सेम तालीम है चार सालों का अगर डिफरेंस लाइफ में हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है एक्जैक्टली आप अपनी फील्ड को स्विच करें वो कहते हैं ना मैराथन में दौड़ लगाने के लिए दो स्टेप्स भी पीछे पहले होना पड़ता है अगर आप exactly. लाइफ में दो स्टेप पीछे होना पड़ रहा है भागने hmm. के लिए लाइफ में जाने के लिए तो ऑलवेज hmm, hmm. hmm, बिल्कुल तो दो स्टेप पीछे हो लाइफ में आ, जो आपका शौक है उसको परसू करो तो कामयाबी आपको खुद ही मिलती जाती है मैं समझता हूँ थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब तो उम्मीद है कि हमारी इस डिस्कशन से एक जो हम एक अवेयरनेस आपके अंदर लेके आना चाह रहे थे कि आप इस इस मामले के ऊपर सोचें ठीक है कि क्योंकि मेन जो हमने बात की है ना वो ये है कि आ, आपकी अपने पर्सनल जब आप अपना एक आ, मिशन फाइंड करेंगे आप अपनी प्लेस फाइंड करेंगे कि आप सोसाइटी में कहाँ फिट इन होते हैं तो हर पर्सन जब ये करेगा तो मेरे ख्याल है तब एक कलेक्टिव एफर्ट बनेगी और कलेक्टिव एफर्ट बनने से होप होपफुली होपफुली हम इनशा अपनी जो एक इकोनॉमी जो कि इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रही है हम और वो एक डिमिनिशिंग uh, किस्म की एक स्टेज के अंदर है हम उसको शायद एक uh, एक जलाब बख्शने के काबिल हो जाएं डेफिनेटली तो थैंक यू सो मच और इनशा नेक्स्ट हम किसी टॉपिक के साथ मुस्तफ़ा साहब के साथ बैठेंगे तो अनटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफि